मधुपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 अंतर्गत लखना मोहल्ला में एक खपड़ेल के मकान में रहस्यमय तरीके से आग लगने की खबर बताई जा रही है। आग उस वक्त लगी जब सभी लोग घर पर ही थे। घर की महिलाएं शाम के वक्त खाना बना रही थी, इसी बीच अचानक एक गिरगिट उस घर में घुस आया। गिरगिट को देख महिलाएं हो हल्ला करने लगी तो घर के पुरुष सदस्यों ने गिरगिट को पानी छिड़क कर घर से किसी तरह बाहर निकाला। गिरगिट के बाहर जाते ही घर में अचानक आग लग गई। आग इतना भयावह था कि देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में घर के खपड़ेल, मांस बल्ली, घर में रखे कपड़े, कागजात सब कुछ जलकर खाक हो गया। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए पानी से आग को बुझाया, लेकिन चंद मिनटों में घर का सारा सामान स्वाहा हो गया। जिस घर में आग लगी है वे लोग काफी गरीब हैं और खपड़ेल के मकान में रहने को मजबूर है। इधर मकान मालकिन बुजुर्ग महिला नेजुल बीबी ने घर जलने के बाद पीएम आवास का मांग मधुपुर नगर परिषद से किया है। वहीं लोगों के बीच रहस्यमयी आग लगने की चर्चा जोरों पर है। सर जल गया, घर वाला कपड़ा बस्ता सब सब लड़का वाला हमारा वाला सब जल गया। सामान जितना सामान रहा सब कुर्सी वर्सी टेबल वूल सब जल गया। कोई चीज़ नहीं रहा घर में, हमारा सब जल के खाक हो गया। सब साल जल गया, साड़ी जल जल गया, सब खत्म हो गया। खाना खा बैठा रहे हैं, जब देखे तो हमारे मछली उछली रोटी वोटी रख देखे बैठा रहे हैं सब जब ही लेते हैं। कब? साढ़े सात कल रात में। अच्छा हाँ रात को जानते हैं, पहले टिकटिकिया उधर से आया, टिकटिकिया है दिल्ली टाउन, तो उधर से आया तो वहाँ आटा छान के रखा है, वहाँ आटा छान के रखा है मेरा बहू, तब जगह पाका तो देखा कि माँ देखो कौन चीज़ है, तो दिल्ली टाउन तो बोला कौन चीज़ है, देखो उसको हमारा लड़का से पानी मार के उन्हें छत वाला छत में पार कर दिया। हम बोले मार दो तो नहीं मारा, छत में पार कर दिया, पानी बहवा दिया, वो दिया उधर और हमारे घर में जाकर मतलब। और इतना लहर बनी के गाछ जो है से देखो उतना कर रहा पड़ा देखा, इसे हमारे घर में जितना डेली बाद तीन चार गो जला, डेली बाद जला कपड़ा चढ़िया जला तो इधर नहीं इधर में कपड़ा धरा गया, देखा साल रखा गया दो ग्राम यहाँ पर दो ग्राम पाँच छः।